लेटेस्ट खबरों के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें गजब समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल और दबाएं बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं गजब समाचार। राजधानी दिल्ली के वसंत विहार इलाके में हुए तिहरे हत्याकांड को दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने सुलझा लिया है। इस मामले में पुलिस ने प्रीति सहरावत और मनोज भट्ट नाम दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि बुजुर्ग दंपत्ति और उनके केयर टेकर की हत्या लूट के मकसद से की गई थी। क्राइम ब्रांच दिल्ली पुलिस ने जो 22 और 23 जून की रात को वसंत विहार पुलिस स्टेशन के इलाके में जो बसंत गांव में एक एल्डरली सीनियर सिटीजन कपल का और उनकी नर्सिंग अटेंडेंट का जो मर्डर हुआ था उसको सॉल्व कर लिया है। इसमें अभी दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक है प्रीति शरावत, उसकी एज 42 साल के करीब है, और इसके साथ ही था एक मनोज भट्ट, उम्र करीब 39 साल। जो प्रीति सहरावत है, ये जो डिसीज्ड कपल है, इनके फैमिली फ्रेंड्स की बेटी है। इसकी मदर और जो डिसीज्ड लेडी थी, देवर ये इकट्ठे थे, नर्सिंग अटेंडेंट्स थे, और इनके फैमिलीज़ के आपस में आने जाने के टर्म्स थे। इसकी ये अभी इसकी शी वॉज लिविंग सेपरेटली फ्रॉम हर हस्बैंड सिंस लास्ट अबाउट पिछले करीब 12 साल से अपने हस्बैंड से अलग रह रही थी, और करीब 3 साल से ये जो है मनोज भट्ट के साथ रिलेशनशिप में थी और रह रही थी। इन्होंने एक रेस्टोरेंट का बिज़नेस शुरू किया, एक पेइंग गेस्ट हाउस का बिज़नेस शुरू किया, जो कि इनका फेल हो गया और उसमें इन्होंने काफ़ी नुकसान उठाया, और उस नुकसान को पूरा करने के लिए इनको पैसे की बहुत ज़रूरत थी। और इसमें जो है इन्होंने ये टारगेट सेलेक्ट किया, और टारगेट सेलेक्ट करने के बाद इंसिडेंट से करीब 4-5 दिन पहले 17 जून को ये जो लेडी है प्रीति शरावत, ये डिसीज कपल के घर गई, और इनफैक्ट उस पूरी रात वो वहीं रही। उस टाइम उसने रेकी किया, और इनकी जो बेटी है उससे भी जो नर्सिंग अटेंडेंट खुशबू थी उसके फ़ोन से बात की। उसके बाद जो है इंसिडेंट से एक दिन पहले 21 की रात को भी, ये रात को दोनों फिर से ये इस बार मनोज भट्ट भी उसके साथ आया, और ये बाहर आके इनका घर देख के गए, और उस दिन रात को करीब 11:30 बजे के करीब ही आए। और उसके बाद जो है इन्होंने पहले प्रीति शरावत जो है वो ऊपर गई, उसने जो है घर खुलवाया, उसके बाद इसने इनको अपने साथी मनोज भट्ट को भी बुला लिया, और मौका पाके इन्होंने जो है तीनों का मर्डर किया। और उसके बाद जो है वहाँ पे जो भी इनको सामान मिला, इन्होंने अलमारियाँ वगैरह चेक की और जो सामान मिला उसको लेके ये वहाँ से फरार हो गए। फरार होने के बाद ये वापस जो है गुड़गांव के घर में गए अपने, और वहाँ पे सुबह इसने एक होटल बुक किया, उस होटल में चेक इन किया, 2 दिन ये उस होटल में रही। कल फिर से इन्होंने एक दूसरे होटल में शिफ्ट किया, और उसके बाद फाइनली हमने इनको ट्रैक करके इनको अरेस्ट किया। तो इसमें अभी जो है कुछ जो ज्वेलरी आइटम जो चोरी हुआ है वो हमने बरामद इनसे कर लिया है। जो मोटरसाइकिल जो वारदात में यूज़ हुई है, जिससे इन्होंने आने जाने के लिए यूज़ किया था, वो बरामद कर ली गई है। और जो स्लिंग बैग, आप में से शायद कईयों ने शायद वो सीसीटीवी फुटेज देखा हो जो इसने कैरी किया था, वो बरामद कर लिया गया है। बाकी जो है तफ्तीश अभी जारी है, इन दोनों को फॉर्मली अरेस्ट कर लिया गया है। मनोज के ऊपर क्या इससे पहले भी कोई मामला दर्ज था इन दोनों के ऊपर? इसके बारे में हम अभी पड़ताल कर रहे हैं। सर, मारा की वजह क्या, लूटपाट की वजह थी या कोई और? ये इनको पैसे की ज़रूरत थी, और इनको लगा कि ये यहाँ से हमको पैसा और ज्वेलरी मिल सकते हैं, इसलिए यहाँ पे इन्होंने ये कार्रवाई की। सर, पूरी वारदात का सीक्वेंस क्या था? दरअसल इन्होंने जो है ये दोनों मोटरसाइकिल पे आए हैं। मोटरसाइकिल पे आने के बाद जो है ये लेडी जो है वहाँ से मुंह इन्होंने ढका था, उसने लेडी ने अपने दुपट्टे से मुंह ढका था, उसने अपना जो है हेलमेट से ढका था। बीच में कुछ टाइम के लिए उतर भी जाता है वो, जब उसके बाद वो कोने पे लेडी उतरती है,
वो वहाँ से पैदल आती है, ये मोटरसाइकिल पहले सामने लगाता है, उसके बाद ये कुछ टाइम के बाद वापस आके ये मोटरसाइकिल वापस लेके जाता है, दूर दूर कहीं पे लगाता है, ही उसके बाद ये नीचे वेट करता है। मीनवाइल ये ऊपर जाके फर्स्ट फ्लोर फ्लैट है वहाँ पे जाके ये दरवाज़ा खुलवाती है अकेले, और अकेले खुलवा के ये अंदर जाती है। वहाँ पे उस टाइम जैसा कि इन्होंने हमसे कन्फेस किया है उसके हिसाब से जो है ओल्ड लेडी उस टाइम जगी हुई थी, उससे इसने बातचीत भी की है, और उसके बाद वो सोने चली गई। इसने मीनवाइल जो है इसने उनको बताया कि मेरा दोस्त भी आया हुआ है, तो उसने उसको भी ऊपर बुला लिया। उसके बाद इन्होंने चाय बनाने के लिए कहा है, जो मनोज भट्ट है वो अपने साथ एक पेप्सी की बोतल में ये थोड़ा सा लिकर भी मिला के लेके गया था, उसने वो भी लिया है। उसके बाद मौका मिलने पे जो है चाय बनने के बाद जो है उसने इसको पहले जो है नर्सिंग अटेंडेंट जो खुशबू थी उसको उसने स्टैब करके किल किया है, और उसके बाद जो है इसने जो ओल्ड कपल जो था अपने बेडरूम थे में था वहाँ पे इन दोनों का मर्डर किया गया। सर ये लोग इतनी लेट नाइट गए थे तो क्या उन्होंने कहा नहीं आप लोग क्यों रात में बाद में क्यों आए थे रात में? दरअसल करी 4-5 दिन पहले ही ये लड़की जो है प्रीति सहरावत जो है उनके घर गई थी और रात को पूरा रात रुकी थी, वो उस टाइम फेमिलियराइज होने ही गई थी, तो उस दिन वो खुशबू से भी ठीक से मिल रही थी, साथ में रही थी, तो उसने जब उससे दरवाज़ा खोलने के लिए कहा तो उसने ज़्यादा उसमें वो नहीं किया क्योंकि वो पहले मिल चुकी थी, जानती थी, और तो उसने दरवाज़ा खोल दिया और उस टाइम वो अकेली थी। उसके बाद उसने कहा कि मेरा दोस्त भी आया और उसने उसको ऊपर बुला लिया। यहाँ पे जो है हमको पहला जो क्लू मिला था वो जो जब हमने डिसीज्ड कपल की बेटी से बात की तो उसने हमको ये बताया कि ऐसे ऐसे जैसे हम पूछते हैं कि पिछले दिनों में कौन आया था, क्या है, कोई सर्वेंट ये वो, कई तरह की हम चीज़ें पूछते हैं अनजान आदमी, तो उसमें इस लेडी का भी नाम आया जो काफ़ी टाइम के बाद बगैर कोई कारण से इनके घर पे मिलने आई थी और एक दिन ऑलमोस्ट पूरा रही, रात भर रही और अगले दिन गई। वहाँ से हमारा जो है शक का दायरे के अंदर ही आई। उसके बाद उसकी जब तफ्तीश चालू हुई, इसकी मूवमेंट्स वेरीफाई की गई और दूसरी चीज़ें की गई, तो उनका कंडक्ट डाउटफुल था और कई चीज़ें ऐड होती गई इसके साथ में जो हम अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हैं, हम अभी इस स्टेज पर डिस्क्लोज नहीं करना चाहेंगे। उसके बेसिस पे हमको क्लियर हो गया कि इन्होंने ये किया है। उसके बाद हमने इसको ट्रैक डाउन करके और 17 तारीख को जब आई थी तब भी सीसीटीवी में कहीं आते नहीं दिखती, वो अभी वेरीफाई किया जाएगा, लेकिन जो एक दिन पहले ये आए हैं वो ये पहले आए हैं 21 तारीख की शाम को वो चेक हो चुका है।